हेलो एवरीवन वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला आई एम एडवोकेट मानसी जैन दिस इज आवर लास्ट सेशन ऑफ प्रैक्टिस सेशन जहां पर हम लोग क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि क्वेश्चंस आपके ओल एग्जाम्स में आते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यूज द टेक्निक्स विच आर रिक्वायर्ड वाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन सो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्स को एक्स फाइंड अ हाई एंड स्मार्ट फोन इन पब्लिक पार्क अपेरेंटली लॉस्ट बाय इट्स ओनर

अ फ्यू वीक्स लेटर जो ओरिजिनल ओनर था उसने आइडेंटिफाई कर लिया फोन उसको पता चला कि एक्स के पास ही उसका फोन है तो इस केस में जैसा कि हमने इंडियन पीनल कोड में पढ़ा था ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी कौन सा ऑफेंस यहां पर किया है एक्स ने तो यहां पर थेफ्ट नहीं किया है दिस इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्योंकि थेफ्ट में हमने पढ़ा था आपको लगेगा कंफ्यूजन होगा शायद कि ये तो चोरी है चोरी के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है साथ ही आप प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन से चुरा के अगर लाओगे जो चीज ऑलरेडी किसी के पास है अगर आप उससे चुराते हो तो थेफ्ट लगेगा लेकिन एक्स को जो यहां पे मिला था वो एक लावारिस वस्तु थी तो यहां पर एक्स पर लगेगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी एंड चीटिंग आर द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस सेकेंड क्वेश्चन यू एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय था एक कंपनी में जिसको इंट्रस्ट किया गया था कंपनी के पिटी कैश फंड से तो यू के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपनी के कैश फंड को मेंटेन करना कुछ टाइम बाद यू ने यू द पर्सन उसने स्टार्ट कर लिए फंड को यूज करना अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इस तरीके से जस्टिफाई करके कि उसको लगता था कि क्योंकि उसकी सैलरी उतनी रिक्वायर्ड नहीं है तो उतने उस लेवल तक नहीं है तो कंपनी के फंड्स को अपने एक्सपेंसेस में वो यूज करने लगा ये एक्सपेंसेस कंपनी ने ऑथोराइज नहीं किए थे और यू ने ये सारी चीजें जो वो कर रहा था इन सब चीजों को कंसील करके रखा इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इवेंचुअली जब उसने कंपनी के फंड्स को मिसयूज़ करा तो इस चीज के बारे में ऑडिटर को पता चल गया तो इस केस में इंडियन पीनल कोड के हिसाब से कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन है कौन सा अप्रोप्रिएट यहां पर ऑफेंस है जो यू ने किया है तो यहां पर यू ने किया है विश्वासघात और हमने ये क्लास में पढ़ा था विच इज नोन एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब जब किसी के पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आप इंट्रस्ट करके विश्वास करके रखवाते हो और वो पर्सन उसको मिस कर लेता है तो वहां पर ऑफेंस बन जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इनकरेक्ट आंसर चोसे इन डिजर्टेड एलिवे तो मतलब ओ ने पी को कन्फ्रंट किया एक खाली सुनसान रोड पे ओ ने थ्रेट इन किया पी को नाइफ दिखाकर कॉजिंग पी टू फियर फॉर देअर सेफ्टी तो पी को डरा दिया नाइफ दिखाकर थ्रेट में पी ने चुपचाप सारे अपना वॉलेट या जो भी वैल्यूएबल थे और अपनी वॉच थी वो ओ को हैंड ओवर कर दिए आफ्टर टेकिंग द आइटम्स ओ वहां से भाग गया तो इस केस में ओ पे कौन सा चार्ज लगना चाहिए तो जैसे ही फियर ऑफ इंजरी आता है तो ऑटोमेटिकली थेफ्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा अब रॉबरी है या extortion, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन जिन्होंने भी क्लास अटेंड करी है ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी वहां पे हमने क्लियर डिफरेंस पढ़ा था एक्सटोर्शन और रॉबरी के बीच में तो क्योंकि ये इंस्टेंट फियर है तो यहां पर इस केस में बन जाएगा आंसर रॉबरी दैट इज ऑप्शन नंबर बी एक काफी छोटा गांव था वहां पर पांच लोग थे इंक्लूडिंग एस एन टी उन लोगों ने दोनों ने मिलकर प्लान करा और एग्जीक्यूट करा एक रेड मारने की एक वेल्दी फार्मर के घर पर उनके पास वेपन्स भी थे और उन्होंने फोर्स को यूज करा फार्मर और उसकी फैमिली पर रेड के दौरान उन्होंने फार्मर से मनी चुराया ज्वेलरी चुराई और काफी वैल्यूएबल आइटम्स भी चुराई उसके बाद लूटने के बाद वो पूरा का पूरा ग्रुप एस्केप हो गया इंडियन पीनल कोड के हिसाब से वॉट चार्ज इज देयर फॉर द एक्शन एंड टी एंड देयर तो यहां पर चोरी हुई है लेकिन साथ साथ वो आर्म थे और उन्होंने फोर्स भी यूज किया है तो इस केस में फियर ऑफ इंजरी भी यूज किया है तो दैट विल बी थेफ्ट हट जाएगा प्लान से और क्योंकि फाइव इंडिविजुअल्स थे इंक्लूडिंग एस एन टी तो हमने क्लास में पढ़ा था जैसे ही आपके रॉबरी में इंडिविजुअल्स मोर देन फाइव फाइव या मोर देन पीपल हो जाते हैं मोर देन फाइव हो जाते हैं तो वो रॉबरी आपकी बन जाती है दैट्स सी विल बी द करेक्ट आंसर लेमिन टर्म है रॉबरी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये है सब कुछ रॉबरी जैसे इंग्रीडियंट्स लेकिन रॉबरी के लिए चार लोग मैक्सिमम होने चाहिए जैसे ही लोग पांच या पांच से ज्यादा हो जाएंगे वही रॉबरी बन जाती है डेकोइटी एम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था उन्होंने अनकॉर्मेशन एन के दे दूंगा अगर आपने मुझे एक सबस्टेंशल अमाउंट नहीं दिया तो इस केस में एन घबरा गया और एन ने पैसे दे दिए ताकि अग्रीज टू पे टू प्रिवेंट द डिस्कलोजर वो नहीं चाहता था, था उसकी बीवी को पता चले तो उसने सब सारा अमाउंट उसको दे दिया तो इस केस में कौन सा चार्ज लगना चाहिए एम पर तो क्योंकि अब यहां पर फियर है सिर्फ लेकिन फियर ऑफ इंजरी नहीं है फियर दिया है पैसे लूटने के लिए तो दैट विल कम इन टू द एक्सटोर्शन पर व्यू दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर ब्लैकमेलिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड ब्राइबरी आर द इन करेक्ट आंसर चॉइस एक सिटी थी जहां पर एम गेट इन टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद एन आर्ग्यूमेंट काफी बढ़ता चला गया और एम ने जान पूछ कर एन को एक हैवी ऑब्जेक्ट से मारा उसके हेड पर जिस वजह से एन को सीवियर इंजरीज हुई एन को हॉस्पिटल ले जाया गया बट लेटर ऑन उसकी डेथ हो गई बट सकम्स टू इंजुरीज तो यहां पर क्या चार्ज होना चाहिए एम पर टू फेस इट्स डिटर्मिंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसिस बिकॉज उसकी वजह से

लेकिन लाइवलीहुड ऑफ डेथ था तो इस केस में हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दैट विल मेक डी द करेक्ट आंसर चॉइस जिनको भी यहां कंफ्यूजन है बिटवीन कल्पेबल अमाउंटिंग अमाउंटिंग टू टू मर्डर मर्डर एंड नॉट आई वुड सजेस्ट यू गो एंड वॉच द सेशन जहां पर हमने बहुत क्लियर डिमार्केशन पढ़ी है सेक्शन टू और थ्री के बीच में दैट विल मेक हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट द इनकरेक्ट आंसर चॉइस एक स्मॉल टाउन था कुछ महीने बाद शादी के कुछ महीने बाद एक लड़की को वहां पर यंग वुमेन को जो कि वाइफ थी उसकी डेथ हो गई फैमिली ने एलैच करा कि उस लड़की ने सुसाइड करा है लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि उस लड़की के साथ जिसकी डेथ हुई है तो लॉज तो और हस्बैंड पर कौन सा चार्ज लगना चाहिए डाउरी डेथ विल बी द करेक्ट आंसर क्रुअलिटी टू वेमेन नहीं होगा क्योंकि उस केस में क्रुअलिटी टू दुम में कोई भी क्रुअलिटी हो सकती है बट हम लोग यहां पर एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के

एक रोड रेज इंसिडेंट हुआ जहां पर एक फाइटिंग uh, हुई दो लोगों के बीच में तो जो इनरेज ड्राइवर था इंटेंशनली उसने जान पूछ कर साइक्लिस्ट को जो साइकिल पर सवार था उसको हिट किया जिस वजह से वो गिरा और उसको कुछ इंजरीज हुई उसके स्पाइन में विच लेड टू साइक्लिस्ट बीइंग पैरालाइज्ड जिस वजह से वो साइक्लिस्ट बेचारा पैरलाइज तक हो गया तो इस केस में ड्राइवर पर कौन सा चार्ज लगना चाहिए तो यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लग सकता क्योंकि अगर मर्डर के सिनारियो उसी फिट नहीं हो रहे तो अटेम्प्ट टू मर्डर के तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं रोड रेज इंसिडेंट है तो सेक्शन थ्री हंड्रेड यहां पर नहीं फिट होगा असॉल्ट भी नहीं लग सकता हर्ट भी नहीं होगा क्योंकि वो पैरालाइज हो गया है देर फोर सेवियर इंजरीज दैट विल मेक ग्रीवियस हर्ट द करेक्ट आंसर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था वहां पर समवन अ पेपर स्प्रे इन द क्राउड तो किसी ने पेपर स्प्रे क्राउड में हाँ पे स्प्रे कर दिया जिस वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ काफी इंडिविजुअल्स को मतलब लोग ने कॉफ करना शुरू करा लोगों को दिक्कत होती है आइज में इरिटेशन हुई या कॉफिंग प्रॉब्लम हुई तो इस बात पर उस पर्सन पे जिसने ये पेपर स्प्रे यहां पर एनवायरमेंट में या एटमोसफेयर में डाला है तो उस पर कौन सा चार्ज लगना चाहिए तो यहां पर इस केस में ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होगा हर्ट विल बी द करेक्ट आंसर ये असॉल्ट भी नहीं है और ये अटेम्प टू मर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है मेक श्योर sure इसी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आपको ओलेट एग्जाम्स में पूछते हैं आइदर द क्वेश्चन कुड बी डायरेक्ट समटाइम्स एक छोटा प्रिंसिपल होगा और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर इंसिडेंट में कौन सा ऑफेंस यहां पर हो रहा है अनदर क्वेश्चन

बट क्योंकि क्योंकि वो उसको इंटेंशनली चोट तो पहुंचाना चाहता था तो एक्स को यहां पर कौन सी सजा मिलनी चाहिए अटेम्प्ट टू टू मर्डर मर्डर नहीं नहीं हो सकता एंड यहां पर कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग भी होगा क्योंकि डेथ नहीं हुई अगर डेथ हो जाती तो शायद भी लग सकता था डेथ ही नहीं हुई है तो कल्पेबल होमिसाइड तो लगने की जरूरत ही नहीं है कल्पेबल होमिसाइड के लिए डेथ होना बेसिक सबसे पहला फंडा होगा तो ग्रीवियस हर्ट यहां पर लग सकता है सफर सीरियस इंजुरीज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमें नहीं पता नेग्लिजेंट ड्राइविंग में भी यहां पर एक्सीडेंट हो के अलावा डेथ होनी बहुत जरूरी है तो हमें अभी नहीं पता डेथ नहीं हुई है तो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट होगा क्योंकि सेवियर इंजुरीज के बारे में लिखा है दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में ए ने लॉक कर दिया बी को एक रूम के अंदर और उसको कहीं भी जाने नहीं दिया क्योंकि वो बी जो था वो बाहर जाके पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहता था जिस प्रोटेस्ट से ए कर रहा था तो ए ने बी को एक रूम में लॉक कर दिया बी को रूम में रखा गया कुछ घंटों तक उसकी मर्जी के बिना जिस वजह से उस बेचारे का प्रोटेस्ट को वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो कुछ टाइम बाद ए ने बी को छोड़ दिया लेकिन ए ने रिस्ट्रेंट किया है उसको एक जगह पर कन्फाइन कर दिया है तो यहां पर ये यह गलत है तो कौन सा ऑफेंस लगना चाहिए यहां पर बन जाएगा आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दैट इज सी द करेक्ट आंसर किडनैपिंग नहीं होगा असोल्ट नहीं होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है जब आप किसी की पर्टिकुलर डायरेक्शन ब्लॉक करते हो लेकिन जब आप किसी को आसपास प्रॉपरली एक कमरे में या किसी घर में या किसी भी एरिया में उसके आसपास की लिमिट सेट कर देते हो

आयल तो यहां पर वो खड़ा हो गया उसको इस तरफ नहीं जाने दिया तो इस केस में ई रिमेन देयर विद इन द ऑफिस बिल्डिंग तो कौन सा चार्ज लगना चाहिए डी पर तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ब्लॉक करी है यहां पर बन जाएगा रॉन्गफुल स्ट्रेंड द करेक्ट आंसर क्योंकि रॉन्गफुल री कहता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ब्लॉक करना किसी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन को ब्लॉक करना री के पॉइंट में जाएगा दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस कंफाइनमेंट यहां पर इनकरेक्ट आंसर होगा डराया नहीं है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी नहीं हो सकता ना ही असोल्ट होगा एक यूनिवर्सिटी में एच एक सीनियर स्टूडेंट था जिसने प्रॉमिस किया अपने जूनियर आय को हाईली सॉट आफ्टर इंटर्नशिप लेकिन बदले में आय से उसने सेक्सुअल फेवर्स मांगे एक्स ने इंप्लाई करा कि अगर उसने रिफ्यूज करा तो उस वजह से आय को अपने एकेडमिक करियर में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। फीलिंग प्रेशराइज एंड अनकंफर्टेबल आई ने ना रिलकटेंटली मतलब ना चाहते हुए भी अग्री कर लिया सेक्शुअल फेवर्स के लिए जो एच उससे मांग रहा था लेटर ऑन आई ने केस फाइल किया तो कौन सा अप्रोप्रिएट एक्ट चार्ज लगना चाहिए एक्स पर एच पर तो यहां पर क्योंकि कंसेंट था तो उस केस में फिर भी यहां पर रेप uh, लगेगा आउटरेजिंग दोडेस्टी ऑफ अ वन नहीं होगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं होगा Sexual harassment भी नहीं होगा। इस केस में rape will be the correct answer, क्योंकि यहाँ पे forcefully किया गया है, consent लिया गया है, लिया है, लेकिन गलत तरीके से कंसेंट ले जाने पर भी रेप का चार्ज लगता है दैट्स वाई बी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस एक बिजी मार्केट में जे एक आर्ग्यूमेंट में फंसा के साथ तो जे और के का आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ एक शॉपकीपर के वॉज अ शॉपकीपर इस केस में प्राइस एक प्रोडक्ट के प्राइस को लेके तो जे वॉज द कस्टमर तो एंगर में जे ने गुस्से में वो आइटम जिसपे लड़ाई कर रहे थे वो उठाई के के हाथ से एंड शव के फोर्सफुली अगेंस्ट अ वॉल मतलब वो आइटम जिसपे लड़ रहे थे वो प्रोडक्ट उठाया और के को धक्का मार के दीवार की तरफ फेंका जिस वजह से केक गिरा लेकिन सीरियसली बट नॉट गेट सीरियसली इंजर्ड मतलब गिरा है चोट लगी होगी लेकिन उतना सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ और जे उसके बाद चुपचाप फटाफट से दुकान से निकल गया उस आइटम को चुरा कर तो क्योंकि यहां पे इंजरी भी इंक्लूड हो गई तो ये चोरी थेफ्ट के परव्यू से बाहर निकल गई अगर इंजरी ना होती सिर्फ वो प्रोडक्ट उठा के भाग जाता तो चोरी होता लेकिन यहां पर इंजरी भी हुई है तो ये चोरी नहीं होगी दैट विल मेक रॉबरी द करेक्ट आंसर अब आप सोचोगे छोटा सा इंसिडेंट है ये रॉबरी में कैसे आ गया बिल्कुल आएगा जब आप इंस्टेंटली किसी को हर्ट कर देते हो तो वो चोरी बन जाता है आपका रॉबरी दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैसेज एंड द दैट आर फॉलोड If any person who is a witness gets any threat to withdraw the case against the accused or to give false evidence, he can file a complaint with the police or within the court. तो इस केस में अगर किसी person को जो witness है किसी कोर्ट का, उसको किसी भी matter में अगर वो witness बना हुआ है, उसको threat आता है कि उसको specially झूठी गवाही देनी है किसी accused के अगेंस्ट में या उसको false evidence देना है। तो उस केस में वो विटनेस जिसको प्रेशराइज किया जा रहा है वो सेक्शन 195 ए इंडियन कोड के हिसाब से यहां पर पनिशमेंट उस इंसान को मिलेगी जो भी विटनेस को थ्रेटन या प्रेशराइज कर रहा है हु who किसी भी फॉर्म में चाहे वो इंजरी हो उस पर्सन को या विटनेस को या उसके किसी नियर या डियर वन को या उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को या किसी को भी जिसमें वो विटनेस इंटरेस्टेड है फॉर एग्जाम्पल अगर एक विटनेस को कोर्ट में गवाही देनी है और जो इंसान थ्रेटन कर रहा है वो बोल रहा है हम आपकी प्रॉपर्टी को आग लगा देंगे या आपके बच्चे को किडनेप कर लेंगे आप झूठी गवाही दीजिए तो इस केस में अगर इस तरीके की धमकी दी जाती है या इस तरीके का प्रेशर किया जाता है इस तरह से ताकि वो विटनेस कोर्ट में फॉल्स एविडेंस दे तो उस केस में यहां पर जिसने भी ये प्रेशर किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी जिसकी सजा होती है सेवन इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट या फाइन या इवन बोथ तो इस केस में जहां पर भी डेथ और इंप्रिजनमेंट है फॉर मोर देन सेवन ईयर्स तो पर्सन जिसने थ्रेटर किया है उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी तो मतलब अगर झूठी गवाही देने के बाद किसी निर्दोष इंसान को ऐसी कोई सजा मिले जिसमें कि उसको डेथ पेनल्टी मिल गई है या या मिल गया है जो है जो जो कि कि साल उससे ज्यादा का एक निर्दोष इंसान को सजा मिल गई है तो जिस इंसान ने थ्रेटन या प्रेशर किया था फॉल्स गवाही के लिए उसको भी कोर्ट कहता है सेक्शन कहता है कि सेम डिट्टो सेम सजा मिलनी चाहिए इन द सेम मैनर टू द सेम एक्सटेंट जैसे कि इनोसेंट पर्सन को मिली है सिंस इट इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस तो ये जो प्रेशराइज करना होगा थ्रेटनिंग करना होगा ये कॉग्निजिबल ऑफेंस में आता है एंड पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो तुरंत एफआईआर को रजिस्टर करे कोर्ट भी ऑर्डर लेता है एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाय द विटनेस सेक्शन 327 सीआरपीसी कहता है इंक्वायरी करी जाएगी ऐसे मैटर में और ट्रायल किया जाएगा इन द रेप केसेस शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा विद इन द क्लोज डोर्स तो जब भी कभी भी रेप के केसेस में जब भी कभी कोई टेस्ट लेनी होती है चाहे वो विक्टिम की हो तो वहां पर ये कोर्ट इंश्योर करता है कि वो इन कैमरा ट्रायल हो मतलब कि एक क्लोज रूम में कैमरा सेटिंग होती है वहां पर मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं होता है ये क्योंकि कोर्ट में पब्लिक भी बैठी होती है तो ये क्लोज रूम में इन कैमरा ट्रायल होता है अगर रेप के केसेज हो ताकि आइडेंटिटी जो रेप विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको कंसील किया जा सके उसको कवर किया जा सके या विटनेस जिसने ये गवाही दी है उसको सीक्रेटिव रख जा सके कोर्ट कैन अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन अगर कोर्ट का अलाउेंस है तो किसी पर्टिकुलर इंसान जिसको कोर्ट ने ओके okay किया है वो ऐसी प्रोसीडिंग्स को उस रूम में बैठ के अटेंड कर सकता है बशर्ते उस इंसान को कोर्ट का परमिशन हो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन कैमरा ट्रायल जब भी ये इन कैमरा ट्रायल होते हैं देट शैल बी कंडक्टेड एज फार एज प्रैक्टिसबल बाय द वुमेन जज और अ मेजिस्ट्रेट तो ये इंश्योर किया जाता है की रेप के केसेस में ऐसे इन कैमरा ट्रायल में अक्सर जो जजेस या मैजिस्ट्रेट हो वो एक वुमेन हो सो दैट दिन अंडरस्टैंड द इमोशन वेल एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग्स और ट्रायल शुड नॉट बी प्रिंटेड एंड पब्लिश इस तरीके की चीजों को प्रिंट और पब्लिश नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी चीजों को सीक्रेटिव रखना बहुत जरूरी है एक्सेप्ट विद प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट अगर कोर्ट ने परमिट किया है तो ही ऐसा कोई भी केस का डेटा पब्लिश किया जा सकता है नाउ फॉलोइंग द क्वेश्चन एक डिफेंडेंट है एक कोर्ट में केस में

तो जैसा कि पैसेज में हमने पढ़ा है कि जज किसी पर्टिकुलर पर्सन को परमिशन दे सकता है पर परमिशन कोर्ट की होना जरूरी है तो इस केस में यहां पर होगा द जर्नलिस्ट इज अ पार्टी टू द केस नो इट ही नॉट द पार्टी द कोर्ट कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है मर्जी होती है कि वो किसी सर्टेन इंडिविजुअल्स को अलाउ कर सकते हैं येस दैट इज द करेक्ट आंसर चॉइस सी कहता है ऑल रेप ट्रायल्स आर ओपन टू प्रेस दैट इज इनकरेक्ट चॉइस जर्नलिस्ट के पास लीगल राइट right था किसी भी मैटर को अटेंड करने का ये भी आपका इनकरेक्ट चॉइस है एक विटनेस था एक क्रिमिनल ट्रायल में जिसको कि थ्रेटन किया गया रिलेटिव ऑफ अक्यूज ने अक्यूज जिसपे केस चल रहा था उसके रिलेटिव ने थ्रेटन किया डिमांड किया कि वो टेस्टिफाई करे झूठी गवाही दे विटनेस रिपोर्ट्स द थ्रेट टू द पुलिस विटनेस ने जाके पुलिस को बता दिया कि अक्यूज का रिलेटिव मुझे जबरदस्ती थ्रेटन कर रहा है

इट शुड कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन तो रिस्क असेसमेंट जैसा पैसेज में दैट इनकरेक्ट चॉइस एक हाई प्रोफाइल रेप केस ट्रायल था जहां पर एक लोकल न्यूज़पेपर ने डिटेल्ड अकाउंट प्रोसीडिंग्स के पब्लिश करे विक्टिम की आइडेंटिटी तक उन्होंने न्यूज में पब्लिश कर दी कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर किया था एक इन कैमरा ट्रायल जहां पर चीजें सीक्रेटिव रहे तो क्या लीगल वायोलेशन की है यहां पर न्यूज ने जो यहाँ पर न्यूज ने प्रॉपरली रूल्स को नहीं फॉलो किया तो क्या लीगल वायलेशन यहा, यहाँ पुलिस यहां पर न्यूज़पेपर नु, एजेंसी ने की है 195 195 नहीं नहीं होगा होगा क्योंकि ये पे है वायलेशन ऑफ़ ए भी इट दैट करेक्ट आंसर चॉइस एक जर्नलिस्ट था जिसको एक एनॉनमस थ्रेट आया जहां पर उसको ये बोला गया कि वो विदड्रॉ कर ले अपनी स्टोरी दैट एक्सपोज करप्शन तो एक विटनेस थी जो करप्शन के बारे में एक स्टोरी एक्सपोज एक करने वाली थी उसको एक एनोनिमस मतलब पता नहीं है किसका कॉल आया उसको बोला गया कि अपनी स्टोरी को वापस ले लो अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा सीरियस हार्म फेस करने मिल सकता है अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो इस बात से अग्री कर गई उसने कहा मैं ये करप्शन की स्टोरी को पब्लिश नहीं करूंगी या नहीं आउट इन दी ओपन रखूंगी लेटर उसने ये डिसाइड किया कि वो लीगल एक्शन लेगी उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने थ्रेटन किया है तो यहां पर कौन से सेक्शन में शी हैज टू फाइल द कंप्लेंट तो यहां पर सेक्शन 327 वाज अबाउट रेप ये भी नहीं होगा सेक्शन 500 भी नहीं हो सकता सेक्शन 195 ए बी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस एक बार इसको मैचअप कर लेते हैं पैसेज से 195 ए है या 195 इट वाज uh, yes. so 195 ए यस सो नॉट वन

साथ ही जितने भी ऑफेंसेस होते हैं जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनके सेक्शन नंबर पैसेज या प्रिंसिपल को रीड करते टाइम बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम्स में ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर बाय बाय